नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। सर्वप्रथम तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत आभार। सैकड़ों की संख्या में आप लोग मात्र 24 घंटे में इतना ज़्यादा विश्वास दिखाए हो, जिसे लगता है कि हाँ भाई, आपके प्रेम, स्नेह और इस अटूट विश्वास के लिए टीम कुछ भी कर जाए। और इस कारण से अब आप सभी की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है और आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करना काम हमारा है, आपके आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारा है। आप सारी चीज हमें छोड़ दीजिए। अब आपको एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जहां पे आपके द्वारा ही सैकड़ों सिलेक्शन होने वाले हैं इस बार, और जो एक बहुत बड़ा कलंक लगा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर बिक जाते हैं, सीटें बिक जाती है, वो कलंक तोड़ेंगे आप और खुद सिलेक्शन अपनी सीट अपने नाम दर्ज करा के ही दम लेंगे, इस बात की गारंटी है। और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ संभव कैसे हो पाएगा। तो भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स दिखाया है कोर्स से जुड़ के, और आपका जैसे मैंने बात किया था 4 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी क्लास 4 तारीख से कंप्लीटली बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और उसमें डेमो वगैरह हम लोगों ने सब कुछ बहुत पहले से दे दिया। आते हम लोग बात करते हैं कि तैयारी की बेस्ट तरीका क्या है, कहां पे बच्चों से कमियां होती हैं, क्या एक जो बहुत नाम बदनाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, सीटें बिक जाती हैं, इसके पीछे वास्तविकता क्या है, क्या सत्य है क्या झूठ है, सारी चीजें हम लोग यहां पे इस वीडियो में समझते हैं। और इस चीज को भी समझते हैं जो आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे दिमाग में प्रश्न कोर्स को लेकर हैं, कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में तैयारी को लेके हैं, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करते हुए, एक साथ करते हुए एक एक प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। यहां पे आपके दिमाग में एएससी में सीट बिक जाती है, क्या तैयारी करना ठीक रहेगा? अगर मैं इसका जवाब दूं तो एएससी में सीटें बिक जाती हैं, नहीं बिक जाती हैं, इसकी बात का पूर्ण साक्ष्य किसी के पास नहीं है, हां में भी और नहीं में भी। दूसरी बात, ऐसा अगर मैं आपसे बोलूं कि सारी की सारी सीट बिक जाती हैं तो यह शायद बहुत गलत होगा, या कोई भी कहता है तो इसका मतलब कि उसे सारी जानकारी नहीं है। ऐसे हजारों बच्चे जिन्हें हर बार पूरी टीम पढ़ाती है, पूरी टीम लगी रहती है, और ऐसे तमाम बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो मैं कैसे मान लूं कि सारी की सारी सीटें बिक जाती हैं? इन मिथ्याओं में मत फंसो। ये जानते हैं कौन से बच्चे होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जो एक दूषित मानसिकता हुए होते हैं और ये चाहते हैं कि भाई हम केवल क्या करें, सिलेक्शन ले लें, बाकी लोग फॉर्म ही ना डालें। और इसीलिए मैंने दूसरा है यहां पे, पेपर में बहुत कम टाइम मिलता है, कैसी होगी तैयारी, लोग इसमें फॉर्म भरने से मना कर रहे हैं, क्या करें? आप मेरी वीडियो के बहुत सारे में देखोगे तो उसमें कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि इसमें फॉर्म मत डालो, सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे निगेटिव मानसिकता लेके आप कहां जाओगे, सबसे बड़ी बात यह है। चलिए ठीक है, अगर मैं कहता हूं सीटें बिक भी जाती है, लेकिन यह भी तो सत्य है कि भाई हजारों सिलेक्शन फ्रेश होते हैं, और बात इसकी नहीं है कि इसे सीटें बिक जाती है, ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे 4-5% की, बहुत प्रैक्टिकल बातें मैं आपसे बोल रहा हूं, जहां पे 4-5% सीटें इधर उधर ना हो, इवन आपको पता नहीं लगता, यूपीएससी में भी ये खेला हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन फ्रेश कैंडिडेट लेता है और हर एग्जाम में लेता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम आए उसमें 5-10% सीटें आप इग्नोर करके ही तैयारी करो, और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक सीट पर होना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो इनके बातों में आके क्या करो, आप तैयारी छोड़ दो, आप फॉर्म मत भरो, आप सिलेक्शन मत करो, लेकिन कब तक भगोगे, ये कब तक आप चीज से भागोगे? मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, और कंपटीशन कहां नहीं है? अगर बोलते हो कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो कंपटीशन कहां पे नहीं है? कंपटीशन आप एक चाय का ठेला लगा लोगे, एक फॉर्च्यून एक दुकान खोल लोगे, एक आप कोई भी छोटा से छोटा काम कर लोगे, हर काम में कॉम्पिटिशन है, और जो काम जितना आसान है उस काम में कॉम्पिटिशन उतना ज्यादा है, तो कॉम्पिटिशन से भग के आप अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते हो। दूसरी बात कि पेपर में बहुत कम टाइम मिलता है, कैसे होगी तैयारी, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग बात करें पेपर के डेट की, एग्जाम के डेट की, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसमें समय बहुत कम मिलता है। और यहां पे देखिए, पिछली बार ही तो मात्र 1-1.5 महीने का समय मिला, और इससे पहले जितने भी इतिहास इलाहाबाद हाईकोर्ट के रहे हैं सभी में समय बहुत कम मिला है। तो समय में तैयारी करने के लिए टीम परीक्षा पर एक बहुत बेहतरीन आप सभी के लिए प्लान लेके आई है, और इस प्लान को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हम आपका कोर्स संचालित करेंगे, किस प्रकार से हमारा स्टडी प्लान होगा, अलग अलग विषय की रणनीति हम लोग क्या लेके चलेंगे, इंग्लिश और मैथ्स में डर लगता है तो उसके लिए क्या करेंगे, जीएस में कितना नंबर सेफ रहेगा, हिंदी की बेस्ट रणनीति क्या होगी, टाइपिंग और स्टेनो के साथ पढ़ाई कैसे करें, परीक्षा प्लस की क्या स्टडी प्लान है, और परीक्षा प्लस क्यों है बेस्ट, इन सारी चीजों को मैं बता रहा हूं।
सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्टेज वन के कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, तो स्टेज वन का कट ऑफ एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो बच्चे हैं, और यहाँ से आपकी रणनीति बनती है। बहुत सारे बंद मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आप देखो, आप जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस इस पे से देखो तो 100 नंबर का पेपर था, 75 नंबर कट ऑफ गई है। बहुत सारे बच्चे बोलते, मैंने बोला था कि ये कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आपको ये कट ऑफ लग रहा है ज्यादा, तो यकीनन फिर आप तैयारी करने के आप मूड में नहीं हो। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना। कोई भी एग्जाम उठा लोगे, इवन ऐसी वैकेंसी जहां पे 10-10, 20-20, 30-30 हजार पोस्ट निकलते हैं, वहां पे भी जो कट ऑफ होती है बेटा, वहां पे भी कट ऑफ 80% के आसपास लगती है, 80-82-85% लगती है। एक रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी अभी रिजल्ट आया था यूपी पुलिस में, उसमें 90% तक कट ऑफ गई थी। पिछला SI ASI की बात करें तो उसमें 80% की कट ऑफ लगी थी, 75 से 80%। तो कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे, ऐसी वैकेंसी जहां पे क्या होता है, जहां पे पोस्ट की संख्या कम होती है, उनके कट ऑफ 80 से नीचे कभी आते नहीं है। तो उनके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कट ऑफ वाकई में ज्यादा नहीं है। स्टिल अप मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 75 नंबर लाना आसान है, 75 नंबर लाना आसान नहीं है, इसके ऊपर एक एक नंबर लाना बहुत कठिन है। लेकिन अगर बाकी एग्जामों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कट ऑफ इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप पहले ही सरेंडर कर दो, अपना हथियार डाल दो, तैयारी छोड़ दो। तो प्रैक्टिकल है, बच्चा सेलेक्ट होता है, ऐसे लाखों ऐसे हजारों बच्चों का, सैकड़ों बच्चों का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, मैं पूरी लिस्ट दिखा दूंगा जो भ्रष्ट कैंडिडेट बच्चे होंगे उनका क्या हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे अगर आप क्या देखोगे ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में भी अगर यहां पे ग्रुप डी में जहां पे सारी भीड़ होती है, आपका 100 में से कितना गया है, 78 गया है स्टेज वन का। अगर यहां पे स्टेनोग्राफर का देखेंगे तो स्टेनोग्राफर में हिंदी में मात्र 66 नंबर। यह पेपर वाकई में बहुत टफ था, और अगर टफ था तो 66 नंबर केवल क्या गया है, केवल आपका कट ऑफ गया है 100 में 66 नंबर, क्या ज्यादा स्टेज वन का, आप मुझे कमेंट करके खुद बता दीजिए। और 58 नंबर केवल गया है इंग्लिश वाले स्टेनो का, किस कैटेगरी में, अनरिजर्व ओपन का। अरे भाई अब आप क्या चाह रहे हो कि पेपर में बिना बैठे सिलेक्शन ले लो, पेपर अगर कठिन था तो कट ऑफ नीचे आया है, 58 स्टेज वन का गया है, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने स्टेज टू में दिया था। मैं फिर से बोलता हूं स्टेज टू में नंबर कम नहीं होता, जो नंबर कम होता है यहीं पे नंबर कम होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर बात किया जाए तो यहां पे कैटेगरी ग्रेड सी जो आपके ड्राइवर वाले थे, इनमें भी क्या था, 74 गया था। तो इसमें फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में यह लग रहा हो कि नहीं भाई तैयारी इसकी बहुत मुश्किल है, तो अब आप सारी चीज मुझ पर छोड़ दो। कैसे आपकी तैयारी करानी है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, एक जो कलंक है उस कलंक को कैसे मिटाना है, और कल एक एग्जांपल आप ही बनोगे, आप खुद ही आके बताओगे हां मैंने तैयारी की, हां मैंने पढ़ा और मैं सिलेक्शन लिया। ये केवल मिथ्याएं हैं, ये केवल झूठ है, ये उन बच्चों की कहानी है, ये वो बोल सकते हो कि फेलियर लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि भैया इसमें फॉर्म मत भरो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको सिलेक्शन लेना है। आप अगर पिछले 3 बार से तैयारी कर रहे हो, एक एक नंबर से रुक रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप हार जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी आप छोड़ दो, आपके अंदर वो हुनर है, आप ज्यादा से लोगों से ज्यादा बेहतर हो। आप तैयारी करो, आप लगो और इस बार सिलेक्शन लेके दिखाओ, और ये जो कलंक है इस कलंक को मिटा के दिखाओ, और ऐसे होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए टीम परीक्षा प्लस ने आपके लिए बहुत बेहतरीन, यहां पे सबसे पहले तो जो बच्चे इनमें जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार भाई, सैकड़ों की संख्या में मात्र 24 घंटे में आप लोग जुड़े हो, और इसके बदौलत ही जो स्पेशल ऑफर मैं आपके लिए लेके आया था, 1500 रुपए का कोर्स है मात्र 499, और ये जो आपका है ये आज लास्ट डेट है, 4 अक्टूबर तक मैंने बोला था कि ये 4 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आज 3 है, आज रात में ये हो सकता है खत्म हो जाए, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम दिन है, आप लोग इस ऑफर को इसे परचेज कर लीजिए, कोर्स से जिनको भी जुड़ना है। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम लोग कोर्स संचालन लेके चलेंगे, और क्या हम लोग का प्लान है, क्या टीम परीक्षा प्लस आपके लिए एक जो स्ट्रेटजी बनाई है, एक जो तरीका है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो तरीका टीम परीक्षा प्लस का है, जो तरीका मेरा है, ना कोई कर पाया है ना कोई कर पाएगा, इस बात की भी गारंटी है। हमने APS में आपकी तैयारी इतनी बेहतर कराई थी, जो बच्चे जुड़े होंगे जब आपका क्या था, जब आपका पत्र लेखन वगैरह था, टारगेट बेस्ड स्टडी आपकी स्टार्ट करवाए थे, आपको याद होगा, और हम वही प्लान लेके आ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। क्यों? क्योंकि एक बात आप समझिएगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर में समय कितना आपको मिलने वाला है, समय मिलने वाला है आपको 40 से 45 दिन। आपको इससे ज्यादा मिल जाए वो बात भाई आपकी किस्मत है और मेरी किस्मत है, लेकिन मैं ये मान के बिल्कुल नहीं चलूंगा कि आपको 3-4 महीने समय मिलेगा। तो हमें ये जो सिलेक्शन का पुल बांधना है, हमें जो ये मेहनत करनी है, ये जो रणनीति बनानी है, हमें इसको दिमाग में रखते हुए करना होगा, क्या 40-45 दिन में हम कवर कर सकते हैं। हमारे पास 4 विषय, कौन कौन से विषय हैं, हमारे पास मैथ्स है, हमारे पास क्या है GS है, हमारे पास इंग्लिश है, हमारे पास हिंदी है। उत्तर प्रदेश के बच्चों की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में
सबसे ज्यादा जो डरते हैं बच्चे वो किससे डरते हैं, वो डरते हैं इंग्लिश से। और इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में ही बताऊंगा। इंग्लिश विषय की बात किया जाए तो इंग्लिश विषय में आपके 25 नंबर होंगे, और इसीलिए मैंने इंग्लिश को यहां पे लिखा है, इंग्लिश और मैथ्स को। इंग्लिश आपका इतना कठिन नहीं होता, इंग्लिश में आपकी जनरल चीजें पूछी जाती है। हालांकि जब हम हाई कोर्ट या कोर्ट की बात करते हैं तो वहां की इंग्लिश मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेहतर टाइप की इंग्लिश होती है, लेकिन वो ऑफिशियल वर्क में। जब आपका पेपर होता है तो वही वोकैब्स, वही ग्रामर, वही कंप्रेहेंशन, तो ये चीजें क्या करती हैं, पेपर को आसान बनाती हैं। और अगर आपको ये पता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, तो आपका यहां पे नंबर बहुत बेहतर तरीके से उठ जाएगा। मैथ्स में नो डाउट कि मैथ्स में सारे डायमेंशन पूछे जाते हैं आपका, आपका मैथ्स में चाहे नंबर सिस्टम हो गया, चाहे आपका अरिथमेटिक हो गया, चाहे फिर मैं बात करूं आपका एडवांस पोर्शन में ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, या फिर मैं बात करूं आपका ट्रिग्नोमेट्री का, या बात करूं मैं अलजेब्रा का, या मैं बात करूं ज्योमेट्री का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचे समचे की बात करूं या प्रायिकता की बात करूं, सारे के सारे पार्ट आपसे पूछे जाते हैं। और ऐसे में तैयारी हमें मैथ्स में ओवरऑल करनी होगी। तो हमारे पास 45 दिन में अगर मैथ्स की बात किया जाए, इतने सारे चैप्टर हैं, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचो कि आप बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल एक एक क्लास लेके चलो, तो इतनी क्लास कर पाना संभव नहीं है। और अगर जीएस की बात करें तो जीएस भी इसमें क्या है, वास्ट है, और हिंदी क्या है, हिंदी स्कोरिंग है। तो यहां पे हमारा जो प्लान है, मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग इस 40-45 दिन में लेके चलेंगे। जब आप कोर्स से जुड़ते हो तो कोर्स में हमने क्या किया है, आप जब माई कोर्स पे जाओगे, माई कोर्स में ये सेक्शन आपको देखोगे और देखते भी आपको क्या आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि नहीं भाई, यहां पे चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और यहां पे सिलेक्शन सबसे बेहतर तरीके से होगा। हम आपकी क्लास किस मॉड्यूल में लेके चलेंगे, एक हम लाइव मॉड्यूल में लेके चलेंगे, और लाइव क्लासेस जो हो जाएंगी उन्हीं की आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। और इनके साथ साथ हमने आपको क्या दे दिया है, वीओडी दे दिया है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा पुराना बैच होगा, जो हमने एससी सीडी के लिए बैच निकाला था, वो आपको वीओडी आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आप देखोगे मैथ्स की सारी क्लासेस, इसमें रीजनिंग की सारी क्लासेस, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश सारा दे दिया गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर रीजनिंग नहीं आता, बेटा जीएस में पांच, जीएस में देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मिल जाते हैं। जीएस संभाग में 25 में से 22 क्वेश्चन जीएस पूछा गया, 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा गया, तो वो टॉपिक जो आपके लिए रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है वो यहां पे आपका वीओडी में लगा दिया गया, इसलिए रीजनिंग भी है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और ये सारे पोर्शन जीएस के तो हाई है, वीओडी में आपको लगा दिया गया। उसके बाद अब आपका वीओडी हो गया, आपका लाइव हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका रिकॉर्डेड हो गया। तीन फेज हम लोग लेके चल रहे हैं। अब समझिएगा कि इसे कैसे हम लोग को सिलेक्शन लेना। 40-45 दिन में आप सारी चीजें नहीं पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ लोगे तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवाइज कर लोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। यही कारण था इस बैच को हाइब्रिड बैच बनाया गया, और हाइब्रिड बनाने में आपको वीओडी साथ में लगाया गया। अब हम आपकी तैयारी क्या करेंगे, हम आपकी तैयारी करेंगे टारगेट बेस पे। टारगेट बेस पे तैयारी कैसे करेंगे, इस चीज को मैं समझाता हूं कि हम लोग कैसे टारगेट बेस पे तैयारी करेंगे। आते हैं एक बार, मैं आपको जो हमारी टीम है, टाइम टेबल है, उसके बारे में बताता हूं, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आप समझिए, जैसे कि आपका यह पूरा टाइम टेबल है, हमने आपके लिए में 4 घंटे की क्लास निकाली, कौन सी, 3 PM की, आपके 5 PM की, आपके 6 PM पे, 7 PM पे। ये दिन में आपकी 4 क्लासेस लाइव चलेंगी, और ये क्लासेस जैसे सपोज करो 3 PM, आज ही मैं आपके 3 PM पे आऊंगा और मैं आपसे ये बताऊंगा कि अब जो क्या है बेटा, आपको टारगेट बेस स्टडी करना है। एक तरफ तो मैं आपको लाइव लेके चल रहूंगा, और जब लाइव लेके चल रहूंगा तो जो वीओडी बैच होगा, जो क्लास हमारी रिकॉर्डेड भी पड़ी हुई है, उनको मैं बोलूंगा आपको इस चैप्टर को पहले से पढ़ना है। जैसे सपोज करिए हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में अगर मुझे अगर पहले पहली बार पढ़ाना होगा तो हो सकता है एक दिन में मैं एक टॉपिक करूं, लेकिन अगर आप उससे पहले से मेहनत करके आओगे तो वो हमारा एक ही घंटे में 5-6 टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, मतलब 5-6 क्लास का कंटेंट हम एक क्लास में कवर कर सकते हैं, यानी हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो 4-5 गुना हो जाएगी, समझिएगा। अब मैं आपको बोलूंगा कि कल मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आपका ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आप उस टॉपिक को क्या करोगे, हमारे वीओडी बैच से पहले देखोगे, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस पड़ी हुई हैं, उन्हें देख के आओगे, उन पे कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस करके आओगे, हम अपने नोट्स आपको बताएंगे कि आपको ये नोट्स पढ़ना है, ये नोट्स आपको जो किताबें दी जाएंगी, इस किताब को भी बोलेंगे कि आपको इस पेज से लेके इस पेज तक, इस टॉपिक से लेके इस टॉपिक तक पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, मैं आपको एक बार डेमो पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूं, कि वो जो डेमो पीडीएफ, जैसे ये मैथ्स है तो मैथ्स में आपको ये क्या है, पूरा का पूरा आपका पीडीएफ दिया है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इतने से इतने पेज तक आप इसे पढ़ के आओ, और साथ में इतने सारे क्वेश्चन लगा के आओ। साइंस है तो इतना पढ़ के आओ, इतने क्वेश्चन लगा के आओ, इतना पढ़ना है। तो आपको जो टारगेट बेस्ड स्टडी करवाई जाएगी, वो टारगेट बेस्ड स्टडी आपकी ये पूरी किताब
किताबें दी जाएंगी और इन्हीं किताबों में से आपको टारगेट बेस पढ़ना है और आपको वो बीओडी क्लास से अटेंड करना है। तो टारगेट आपका क्या होगा, जो टारगेट होगा टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका बीओडी होगा, बीओडी प्लस आपका जो रिकॉर्डेड दिया हुआ है वो, और साथ में आपका जो है नोट्स। तो ये जब आप इन तीनों को करके आओगे, और इसे करने के लिए आप एक क्लास के लिए कम से कम एक डेढ़ घंटे दो घंटे की मेहनत पहले से करके आओगे, जब आप वो मेहनत करके आओगे फिर हम आप इसी के बिहाफ पे आपकी क्या कराएंगे, लाइव क्लास कराएंगे। तो जो पहले लाइव क्लास एक क्लास कवर होती, इस टारगेट बेस पे अब हम इस एक क्लास में तीन से चार टॉपिक को खत्म करेंगे, यानी हमारे पढ़ने की तैयारी की स्पीड तीन से चार गुना हो जाएगी। तो चार घंटे हम क्या करेंगे, चार घंटे तो हम लोग लाइव जुड़े रहेंगे, और क्योंकि आपको यह टारगेट भी अचीव करना होगा, और जैसे मैं दूंगा ऐसे सर्वेश सर इंग्लिश का देंगे, ऐसे आपको रमन सर जीएस का देंगे, बहुत डिमांड थी आप लोग की, जिन जिन फैकल्टीज की डिमांड थी उन्हीं फैकल्टीज को लगा दिया हूं, और हिंदी आपके क्या होंगे, अरुण सर। तो हम सब मिलकर आपको क्या देंगे, आपको टारगेट देंगे। इसमें साथ में आपको असिस्ट करने वाले होंगे बीओडी बैच पे फहीम सर हैं, नवीन सर हैं, महबूब चौधरी सर मैथ्स में आपको सपोर्ट करेंगे, और आशीष सर आपको कंप्यूटर और रीजनिंग मदद करेंगे। मतलब आपको आठ फैकल्टीज मदद कर रही हैं आपके सिलेक्शन के लिए, आप अकेले नहीं हो, आप आठ की पावर लेके चल रहे हो, आप खुद तो साथ में हो। आप ये बोल सकते हैं नवरात्रि स्टार्ट है तो वो नौ दुर्गा की शक्ति आप लेके चल रहे हो, और ये जब नौ शक्ति लेके चलोगे तब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, और यही मूल मंत्र है आपके सिलेक्शन का। तो हम टारगेट आपकी स्टडी कराने वाले हैं, आप इस चीज को समझिएगा। आपकी क्लास में सारे बच्चों को लाइव क्लास अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि लाइव क्लास में ही आपका टारगेट दिया जाएगा, और आपको वो टारगेट पहले से कंप्लीट करके आना है, फिर आपकी उसी बिहाफ पे क्लास होगी, तो हमारी स्पीड थोड़ी क्या रहेगी, बेहतर रहेगी। और साथ में हम प्रैक्टिस भी लेके चलेंगे, तो हमारा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में चलता चलेगा। तो इसीलिए यह मॉड्यूल आपका सबसे बेस्ट है, और इस बेस्ट मॉड्यूल से हम लोग अपनी तैयारी क्या होगा, तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। कोर्स संचालन में आपको बता दे रहा हूं कि कौन सी चीज कहां पर मिलेगी। जैसे मैंने आपको यह दिखा दिया कि यह आपकी क्या है, यहां पर जब आप ऐप परचेज कर लेते हो कोर्स को, तो आप कोर्स परचेज करने के लिए पहले बता दूं कि जो बच्चे नहीं परचेज किए हैं, परीक्षा प्लस ऐप से कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। किस प्रकार से आप परचेज करेंगे वो भी मैं आपको सारी चीज बता दे रहा हूं। यह आपका क्या है, यह आपका कोर्स है, परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, वहां पर आपको कोर्स दिखेगा, पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे। पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, आपको पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डेमो देखना है तो व्यू डेमो में जा सकते हैं, डिटेल देखना है तो डिटेल आपका ये पूरा ऐसे दिखाई देगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज आएगा, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास पे ऑनलाइन स्कैन क्यूआर का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पे करके आप यूपीआई वगैरह के माध्यम से पे कर सकते हैं, नहीं आपके पास है तो आप स्कैन क्यूआर करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति क्यूआर स्कैन करके आपका पेमेंट कर देगा, आपका क्या हो जाएगा, कोर्स आ जाएगा। और जैसे कोर्स आपके अकाउंट में आ गया तब आप क्या करोगे, आप अपना ऐप ओपन करोगे, और ऐप में माई कोर्स सेक्शन में ये नीचे होम के बगल में माइको से इस पे क्लिक करोगे। यहां पे आपको लाइव सेक्शन होगा, लाइव में वो चीजें दिखेंगी जो आपको लाइव क्लासेस होनी है। लाइव के बाद आपकी रिकॉर्डेड आएंगी, रिकॉर्डेड में वो क्लास जो लाइव होता है, इन्हीं की रिकॉर्डेड क्लास, ये लाइव वाली क्लास है, इन्हीं लाइव का आपका रिकॉर्डेड क्लास आपको यहां पे दिखेगा। दूसरा रिकॉर्डेड आपका बीओडी है जो पुराना बैच है, तो पुराना जो आपको जो टारगेट आपको अचीव करना है वो टारगेट आपको इन बीओडी के आधार पर करना है। किसके आधार पर करना है, इस बीओडी के आधार पर आपको टारगेट करना है। तो ये तीसरा आपको इसे आगे खिसकाते जाएंगे तो VOD मिलेगा। अब इसमें आप देखेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया रिकॉर्डेड में आपको ये हैं PDF नोट्स, ये क्या है, ये नोट्स लगे हैं। हमने स्टेनो का नोट्स क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है अलग दिया है, और ग्रुप डी का जो नोट्स है उनका अलग दिया है। तो ग्रुप सी वाला नोट्स आपका ग्रुप सी स्टेनो का अलग है, और आपका ग्रुप डी वाला नोट्स क्या है, अलग है। तो इन दोनों जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको नोट्स आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, जैसे एक चैप्टर सारे दिखेंगे, स्टैटिक जीके का हो गया, हिंदी का नोट्स हो गया, बुक ऑफ स्पेशल हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ये वही नोट्स हैं जो आपको क्या हो रहा है, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे नोट्स आपके यहां पे लगे हुए हैं। इनको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्म में है, इन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हो। साथ में अगर आप देखोगे तो इसी रिकॉर्डेड सेक्शन में हमने प्रीवियस ईयर पेपर लगवा दिया है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहां पे सारे मिल जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हो। नोटिफिकेशन में जो भी चीजें नहीं आएंगी वो नोटिफिकेशन में मैं आपके लेके आऊंगा। मैथ्स में आपको मैथ्स की क्लास दिखाई देगी, जैसे मैं क्लास को दिखा दे रहा हूं, ये मैथ्स की क्लास है। तो मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पे वॉच का आ रहा है, वॉच में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, दो की स्पीड, तीन की स्पीड, चार की स्पीड, और साथ में आपके कई सारे क्वालिटी में देख सकते हो। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने ऐप में, और व्यू पीडीएफ से आप क्या करोगे, पीडीएफ को देख पाओगे। ये क्लास की पीडीएफ होती है, पीडीएफ नोट्स आपका अलग है और क्लास की पीडीएफ आपकी अलग है। तो क्लास की भी पीडीएफ दी जाती है और आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता है। ऐसे ही आपका जीएस का, ऐसे ही आपका हिंदी का, और ऐसे ही आपका इंग्लिश का होगा। तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस आधार पर बेहतर तरीके से तैयारी करवा रहे होंगे, और सारी चीजें आपका जो कोर्स संचालन है वो बेहतर तरीके से हो रहा होगा। तो भाई मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने इतना विश्वास दिखाया है,
आपने जो ये विश्वास दिखाया है, इस विश्वास के बदौलत मैं आपका एक एक जो आपने एक जो बोल सकते हैं कि अपने बड़े भाई पे टीम परीक्षा प्लस पे एक जो कण है, जो आपके विश्वास का एक बूंद भी है, उस बूंद की एक एक भरपाई कर दूंगा। मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आप भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको यह वादा करना होगा। तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, अगर लगे कि मैं तैयारी कर पाऊंगा 40-45 दिन में, तभी कोर्स से जुड़िएगा। मैं आपको तो करा ले जाऊंगा, लेकिन आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, वरना जरूरी नहीं है कोर्स से जुड़े, पैसा बर्बाद करें। उससे बेहतर है कि आप कहीं और जुड़े, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, बेहतर तरीके से होंगे। लेकिन अगर आप जुड़ गए तो मैं अपना रिजल्ट नहीं खराब करूंगा, मैं 80% से ज्यादा सिलेक्शन देने का वादा करता हूं और मैं अपना वादा निभाऊंगा। हर तरीके से आपका, वो चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे आपका डाउट्स हो, चाहे आपका वीडियो हो, हर माध्यम से आपकी मदद की जाएगी और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाई जाएगी। तो इस सेशन में बस इतना ही। कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए हैं, उनके लिए सारी क्लासेस आपके टाइम पे होने लगेंगे, टाइम टेबल आपको बता दिया गया। और सबसे पहले मैं आपकी क्लास लेकर 3 बजे आ रहा हूं, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।